आज यूएफसी 305 में एक बहुत ही अजीबोगरीब इंसिडेंट हुआ। आप में से कई फाइट फैंस ने उसको नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरा तो काम है नोटिस करना चीजों को और आपको बताना। जब फाइट हो रही थी रोजन स्ट्राइक की और टाइटू इवासा की, तो वो 3 राउंड की फाइट थी, और जिसने भी उस फाइट को देखा, इवन जो इन ऑफिशियल स्कोरिंग भी कर रहे थे, उसमें से सभी ने 3 के 3 राउंड दिए किसको, रोजन स्ट्राइक को। तो जो भी फाइटर राउंड को जीतता है उसे 10 पॉइंट मिलते हैं और जो हारता है उसे 9 पॉइंट मिलते हैं। अगर वो कुछ सीरियस डैमेज ले जाए, वन साइडेड मामला हो जाए, तो 8 पॉइंट मिलते हैं। तो ऐसे में वन साइडेड तो था नहीं, क्लोज राउंड जीत रहे थे रोजन स्ट्राइक, तो उनको डिसीजन मिलना चाहिए था कितना, 30-27, लेकिन ये स्प्लिट डिसीजन तक चला गया। क्योंकि ये जो स्क्रीन के ऊपर आप रेफरी देख रहे हो, इनका नाम है होवी बूथ। इन्होंने ऐसा कमाल कर दिया कि इनको यूएफसी ने एकदम से एक मैच के अंदर जो है रेफरी करने के बाद हटा दिया। इन्होंने 3 राउंड जिता रखे थे टाइटू इवासा को। अब आप मुझे बता दीजिए, ये गांजा फूक के बैठे थे या ये दारू पी के बैठे थे, क्या माल कौन सा ले रखा था इन्होंने? मैं इनसे रिक्वेस्ट करके पूछना चाहता हूं कि यार ऐसा माल बताए जिससे कि दुनिया बिल्कुल उल्टी दिखाई देने लगे, यानी कि 3 के 3 राउंड वन साइडेड रोजन स्ट्राइक जीत गए, लेकिन इस बंदे ने 3 राउंड टाइटू इवासा को जिता दिए। चलो मान लिया सेकेंड राउंड आप जिता देते क्योंकि वो थोड़ा क्लोज था, लेकिन फर्स्ट और थर्ड राउंड भी यार आपने जिता दिए, दिस वॉज बुलशिट। और ये चीज साथ के साथ एक्नोलेज की गई, और जैसे ही ये फाइट उन्होंने जज की, उसके बाद उस रेफरी को, होवी बूथ को हटा दिया। बाकी की सभी फाइट्स के अंदर उन्होंने अपना जजमेंट नहीं दिया, उनकी जगह पर दूसरे जो है जज आ गए। आपने भी ये बात नोटिस की या नहीं की, और आप मुझे बताइए क्या ऐसी जजिंग की जरूरत है यूएफसी के इतने बड़े हाई ऑल्टीट्यूड जो है कार्ड को? नहीं, यूएफसी को ऐसे जजेस चाहिए, क्योंकि देखो ये तो कमीशन का काम होता है, जहां पर फाइट होती है जजेस वहां के ही होते हैं, लेकिन यार कम से कम ऐसे जजेस को तो बैठाओ जो फाइट फैंस से ज्यादा नॉलेज रखते हो, क्योंकि इवन फाइट फैंस ने भी 30-27 से रोजन स्ट्राइक को जिता रखा था। तो आपको ये वीडियो अमेजिंग लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, और अपने कमेंट नीचे जरूर छोड़िएगा। टेक केयर, ख्याल रखिए।